सो लास्ट बार हम लोगों ने यहाँ पे एमएनएस का 2021 पेपर यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। और शिफ्ट ए के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, शिफ्ट बी के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे अभी। तो सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज़ अबाउट दैट कि जो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होता है वो किसकी वजह से होता है। तो आप लोग को पता होगा कि जो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज होता है किसकी वजह से, जो एस्कैरिस वॉर्म होता है ये यहाँ पे जब बढ़ जाता है बेसिकली, तो क्या होता है आपका ये ब्लॉकेज देखा जाता है, ठीक है। जब इसका नंबर क्या होता है एस्कैरिस वॉर्म का, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ड्यू टू दिस इंटेस्टाइन जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और आपको विद द हेल्प सिजेरियन प्रोसेस एस्कैरिस को फिर रिमूव किया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आता है एस्कैरिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सीड का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके प्लांट के किस हिस्से से होता है, द फॉर्मेशन ऑफ सीड इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या देखा जाता है बेसिकली, कि जो सीड फॉर्मेशन है, ठीक है, सीड फॉर्मेशन ये आपका क्या होता है, कन्वर्जन होता है ओव्यूल्स का, ठीक है। कि जो कार्पेल्स में ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इवेंट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओव्यूल होता है ये अपने आप को कन्वर्ट करता है सीड में डायरेक्टली। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन इज गिवन विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। कि जो पोलियो वैक्सीन होता है बेसिकली, ये पोलियो वैक्सीन किस टाइप का इम्यूनाइजेशन देता है। तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा कुछ इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, कि आपका एक्टिव होता है, फिर एक्वायर्ड होता है, ठीक है ना, नेचुरल होता है, नेट होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जब हम पोलियो वैक्सीन लेते हैं बेसिकली, तो पोलियो वैक्सीन है क्या, अगर हम पोलियो वैक्सीन की बात करें तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो हमारा पोलियो वैक्सीन है इसके अंदर आप पोलियो वायरस का ही एटेन्यूएशन फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ पोलियो वायरस। जनरली क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जब ये बॉडी के अंदर जाता है हमारी, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये आपका एक्टिव हो जाता है, द इम्यून सिस्टम। अब क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम खुद ही यहाँ पे लड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल होता है कि ये आपका क्या होता है, नेचुरल होता है, आपकी बॉडी खुद कर रही है, एक्टिवली आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक्टिव होता है, एक्टिव है। लेकिन खास बात क्या है कि ये बाय बर्थ नहीं है, कि नेचुरल है, ठीक है, एक्टिव है, ठीक है, लेकिन बाय बर्थ नहीं है। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आपकी बॉडी ना यहाँ से इससे लड़ना सीखती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कहते हैं। तो पोलियो की जो वैक्सीन आपको कैसे दे रही है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड कराती है, दैट वन इज क्लियर, कि आपकी बॉडी यहाँ पे खुद ही इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन आपके पास बाय बर्थ ये पावर नहीं है, इम्यून सिस्टम नहीं होता बाय बर्थ, ये आप सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो पोलियो वायर वैक्सीनेशन गिव्स यू द एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंजेक्शन ऑफ एंटी वेनम ऑफ स्नेक। जैसे आपको सबको पता होगा कि अगर हम बात करें यहाँ पे इन द केस ऑफ कि स्नेक जब कोई काटता है किसी को, तो वहाँ पे क्या देखा, एंटी वेनम दिया जाता है बेसिकली, ठीक है, एंटीडोट भी कहा जाता है बेसिकली। तो जो स्नेक जो हमें काटता है, तो आपका इम्यून सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन उतने समय में बहुत देर हो जाएगी पर्सन के अंदर डेथ। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो एंटी वेनम होता है, ठीक है ना, एंटी वेनम ये एक्चुअली में क्या होता है, आपका प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती है एक्चुअली में। ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी किसी की बॉडी में बनाई जाती हैं, ठीक है, फॉर्म के जैसे लाइक हॉर्स हो गए, पिग्स हो गए, वहाँ पे इसको फॉर्म किया जाता है और इस एंटीबॉडी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको आपको पेशेंट को देना होता है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो पेशेंट जो इसको रिसीव कर रहा है ना, उसके पास ये एंटीबॉडी खुद नहीं बन रही है, ये बनी बनाई ले रहा है। तो जब भी ऐसा होता है हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ पैसिव। और क्योंकि आप यहाँ पे खुद इन्वॉल्व नहीं है किसी और की बॉडी में, तो पैसिव हो गया। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि नेचुरल तरीकों से भी नहीं मिलता है, ठीक है, तो पैसिव तो है, लेकिन कौन सा आपका, इट इज अ पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज गिवन बाय द एंटी वेनम, ठीक है, पैसिविटी आपको मिलती है, ठीक है। और कैसा, क्योंकि आपकी बॉडी, तो इसका हम कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल टाइप, तो ये बनता है आपका पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये ध्यान रखना है कि यस, आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, आर्टिफिशियल यहाँ पे मिला लिया जा रहा है और पैसिवली लिया जा रहा है, सो इट इज अ पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली में किसको कहा जाता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड का, तो इसका मतलब होता है द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल।
कि अगर आप जेनेटिक मटेरियल अगर ले रहे हैं या बना रहे हैं, तो जेनेटिक मटेरियल का ये बेसिक यूनिट होता है जिससे मिलकर कोई भी चीज़ बनती है। और जनरली क्या देखा जाता है कि यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, द वन इज द प्योरेंस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द पायरिमिडिन्स। तो यहाँ पे आपको बताना था कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है कौन सा है, तो आपको सिंपल ध्यान देना कि इज प्योरेंस एंड पायरिमिडिन्स। अगेन फर्दर देखे तो यहाँ पे क्या होता है आपका, देयर इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरैसिल। तो पांच तरीके के जनरली देखे जाते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन। कि प्लांट विच ग्रो ऑन द बेयर रॉक, कि अगर कोई बेरन रॉक अगर है, खाली बिल्कुल है, ठीक है ना, तो वहां पे कौन सा प्लांट ग्रो करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन से। इकोलॉजी का पार्ट था कि अगर कोई बैरन रॉक अगर है तो इस रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन आएगा, लैंड करेगा, कौन इस पर ग्रो कर सकता है। तो सक्सेशन में क्या देखा जाता है, एक टर्म आता है पायोनियर स्पीशीज। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, पायोनियर स्पीशीज कहते हैं। और जो पायोनियर स्पीशीज जनरली होता है ये कौन होते हैं, हमारे लाइकेंस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना था कि लाइकेंस इज द राइट आंसर। और लाइकेंस के बाद देखें तो कौन आता है इसके बाद, मॉसेस आते हैं, फिर आपके स्मॉल प्लांट्स आते हैं, देन फाइनली कौन आता है, जो लार्ज प्लांट होते हैं। बेसिकली इन लार्ज प्लांट का फॉर्मेशन देखा जाता है, इस धीरे धीरे आपका सक्सेशन होता है। तो लाइकेंस पहले ऐसे होते हैं जो आपके बैरन रॉक्स पे आते हैं रहने के लिए। ठीक है, फिर आपसे पूछा हुआ था डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द बोन इज ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन, कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है बोन में, तो कौन से विटामिन की वजह से होती है। तो एज वी नो दैट एक ही है आपका, दैट इज अ विटामिन डी, जो आपकी बोन्स के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो कैल्शियम या फॉस्फोरस चाहिए उसको इफेक्टली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये। तो अगर ये आपका विटामिन बॉडी में नहीं लिया जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो बोन होगा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा, और बोन में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो दिस इज अ विटामिन।